हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक बाजार में। तो दोस्तों, आप काफ़ी दिन से बाजार ग्रीन सिग्नल में देख रहे थे, ऑल टाइम रिकॉर्ड हाई टूटते जा रहा था बार बार, अभी टूटा था, फ्राइडे को भी टूटा था। तो दोस्तों, ऐसा जो भी हो रहा था, तो उसके बाद आज आपको काफ़ी दिन बाद आज एक थोड़ी सी निराशा हुई होगी बाज़ार को देखते हुए, क्योंकि आज बाज़ार जो है 1-1% तक टूटा है। जैसा कि हम सेंसेक्स अगर यहाँ देखते हैं, तो अगर आप देखें 1200 पॉइंट लगभग 1.5% के करीबन यहाँ बाज़ार में टूटता हुआ देखने को मिला है। और अगर निफ्टी की बात करते हैं तो 368 पॉइंट हमें ये नेगेटिव दिख रहा है, और ये भी लगभग 1.5% के करीबन यहाँ पे हमें गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मार्केट जब भी गिरता है तो कोई कारण के मतलब कारण की वजह से गिरता है। तो दोस्तों, वो क्या रीज़न होने वाले हैं मार्केट को, जिसने इतना बड़ा ट्रिगर किया कि वो 1.5% गिर गया? तो दोस्तों, दो बड़े कारण की यहाँ हम बात करने वाले हैं। जो दो बड़े कारण, हालांकि और भी कारण हैं, जैसे कि US मार्केट की वजह से भी इम्पैक्ट पड़ा है, और अगर आप देखें जो अभी यहाँ पे इज़राइल हिज़्बुल्लाह इन सब की लड़ाई चल रही है, इसकी वजह से भी, और जो FII इन्वेस्टर हैं ये भी निकल रहे हैं इंडियन मार्केट से, ठीक है। तो मैं इन सब से कुछ अलग बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, पहला बड़ा कारण जो हमारा मार्केट गिरने का है, वो हमारा जापान है। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि जापान से हमारी मार्केट काफ़ी रिजेंबल करती है, ठीक है। तो दोस्तों, आज इसका जो इंडेक्स है जापान का निकाई, अगर आप वहाँ देखें तो मोटा मोटा 5% के करीबन यहाँ पे जो निकाई इंडेक्स है वो गिरता हुआ हमें देखने को मिल गया है। तो दोस्तों, ऐसा क्या हुआ है? तो दोस्तों, जापान का जो PM है, प्राइम मिनिस्टर है, वो चेंज होने वाले हैं। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ वो चेंज होने वाले हैं। पहले कौन थे? ये थे फुमियो किशिदा, तो ये पहले थे। और अब जो नए आने वाले हैं ना, वो क्या करने वाले हैं, जो मतलब रेट है ना, उनको हाइक करेंगे। और जब जैसे ही रेट हाइक करेंगे, तो जो मतलब ब्याज पे पैसा मिलता था, लोन वोन प्रोवाइड होता था, उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा, तो लोग वहाँ से पैसा नहीं ले पाएंगे। अभी तक लोग क्या करते थे कि जापान की मार्केट से पैसा उठाते थे, क्योंकि कम इंटरेस्ट पे, और बाहर की जगह पे इन्वेस्ट करते थे। और अगर जापान के रेट ही हाइक हो जाएंगे, तो लोग वहाँ से जो है अपना पैसा निकाल लेंगे। तो इसी वजह से एक ये मेन रीज़न था, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली है, ठीक है। तो दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट, यानी कि सेकंड जो मेजर कारण है, वो है चाइना। अब आप सोच रहे हैं चाइना से तो हमारी इतना मेल भी नहीं खाती, चाइना तो हमारा कॉम्पिटिटर है। तो दोस्तों, चाइना का अगर आप इंडेक्स देखेंगे तो यहाँ देखिए 350% ऑल टाइम हाई। तो दोस्तों, ये देखिए सारे के सारे 10% हाई आपको, मतलब आज काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा हमें चाइना मार्केट का। ये सब जो है चाइना के इंडेक्स हैं, ठीक है। तो चाइना स्टॉक्स एंटर बुल मार्केट, बिगेस्ट सर्ज सिंस 2008 में जो क्रैश आया था, उसके बाद आज मार्केट इनके बुल रन में है। तो ऐसा क्या हुआ है? तो दोस्तों, चाइना ने क्या किया है, जैसे कि आप सभी को पता है, अभी तक चाइना की जो इकोनॉमी तो नहीं, मतलब उनकी जो मार्केट थी नीचे ही थी काफ़ी। तो अचानक से उन्होंने क्या किया, क्योंकि इन्वेस्टर लोग सब बाहर जा रहे थे। अब आपको पता है कि अगर किसी भी कंट्री में से फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो चले जाएंगे, तो ऑब्वियसली कंट्री का घाटा ही होगा। तो दोस्तों, इस चीज़ को मतलब क्योर करने के लिए चाइना ने क्या किया है कि अपने जो रेट्स हैं, इंटरेस्ट रेट्स कर दिए, और फ्रीबीज टाइप की काफ़ी चीज़ ऐसी करा दी हैं, पॉलिसी चेंज करा दी हैं काफ़ी बैंक्स के थ्रू, जिससे कि जो इन्वेस्टर है ना, वो आसानी से पैसा ला पाएँ चाइना में। तो दोस्तों, यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो है चाइना जो मतलब जो इंडियन में मतलब फॉरेन इन्वेस्टर जो अब तक इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे ना, वो अब इंडिया को छोड़ के डाइवर्ट हो रहे हैं चाइना की तरफ, क्योंकि यहाँ तो टैक्स वैक्स काफ़ी बढ़ा दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, लेकिन वहाँ पे उन्होंने चाइना में रेट कट्स, ये सब काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड कर दी हैं, जिससे कि जो इन्वेस्टर का फ़ायदा उधर हो। तो इसी वजह से एक ये मेजर कारण है जिसकी वजह से यहाँ पे जो है यहाँ मार्केट। तो दोस्तों, यही कुछ बड़े कारण थे जिसकी वजह से हमने आज देखा जो हमारी इंडियन मार्केट है उसमें हमें काफ़ी फ्लक्चुएशन देखी। तो पहला कारण जो था हमारा जापान था, और सेकंड जो था चाइना। तो इसी वजह से आज काफ़ी हद तक मार्केट इन दो मेन रीज़न की वजह से फॉल हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।